हेलो गाइज, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज की क्लास में वो एक्सरसाइज 15 का भी पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कहाँ 14 से। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ थीटा एंड फाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड। थीटा और फाई क्या है, फर्स्ट क्वाड में है, और आपके पास साइन थीटा का और कॉस फाई का वैल्यू दिया हुआ है। तो कहता है फाइंड कौन सा साइन थीटा माइनस फाई, इसका वैल्यू निकालिए। फिर कॉस थीटा प्लस फाई का, फिर टेन थीटा माइनस फाई का वैल्यू निकालिए। अब यहाँ आपके पास देखो क्या क्या दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस फाई दिया हुआ है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी साइन थीटा प्लस फाई या कॉस थीटा प्लस फाई निकालना होगा तो आप क्या करना, साइन थीटा है तो पहले कॉस थीटा निकाल लो। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन थीटा कितना, आठ का स्क्वायर कितना, 64। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, इधर से 17 का स्क्वायर 289 होगा, ठीक है ना। कितना होगा इधर से 289, ठीक है ना। 289 को इधर से करोगे तो माइनस हो जाएगा इधर से 225। तो इधर रूट हटेगा तो कितना होगा, 15/17। अब आ जाओ इसी प्रकार से हम कौन सा साइन फाई, तो साइन फाई के लिए क्या फॉर्मूला, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर फाई। तो वन माइनस कितना हो जाएगा इधर 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। अब इसको हम एलसीएम लेकर रखिए तो कितना 25/169, 25 का रूट हटाएंगे कितना होगा 5, और 169 का कितना 13। अब आ जाओ फर्स्ट नंबर है साइन थीटा माइनस फाई। तो साइन थीटा माइनस फाई कौन सा फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो सबका वैल्यू पुट कर दिए, साइन थीटा का वैल्यू कितना 8/17 यहाँ उतार दिए, कॉस फाई कितना, तो कॉस फाई कितना 12/13 यहाँ लिखें, कॉस थीटा कितना 15/17, तो 15/17। साइन फाई कितना 5/13 यहाँ निकाल दिए, इसको कैलकुलेट कर दिए, आंसर आया कौन सा 21/221, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब सेकेंड नंबर है कॉस थीटा प्लस फाई, क्या निकालना है आपको, कॉस थीटा प्लस फाई। देखो ध्यान से, सेकेंड नंबर है कॉस थीटा प्लस फाई है ये। तो इसका क्या फार्मूला होगा, कॉस ए प्लस बी का क्या फार्मूला था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कितना हुआ, साइन ए इंटू साइन बी। कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना 15/17, तो यहाँ आप 15/17 इंटू कॉस फाई 12/13 यहाँ लिखो 12/13। साइन थीटा, साइन थीटा कितना हुआ 8/17, तो 8/ कितना इधर 17। साइन फाई कितना, तो साइन फाई कितना दिया हुआ है, सॉरी निकला है 5/13, तो 5/ कितना इधर 13। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर, हुआ 17 इंटू कितना 13 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर से यहाँ कितना हो जाएगा, इधर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 × 5 कितना इधर 60, और इधर बचेगा 12 × 6 = 18, 180 हो जाएगा। देखो ना, अरे 15 × 2 = 30, 3 बचेगा रेस्ट। अब 15 को 1 से करोगे तो 15 उसमें 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपके पास 18। अब यहाँ कितना हो जाएगा 8 × 8 = 40 यानी 40। इधर कितना हो जाएगा 12 × 1 = 40, और नीचे में 17 को 13 से करोगे तो कितना होगा 221। देखो आंसर, देखो है यही आंसर। समझ में आ गया। अब आते हैं, बात करते हैं कौन सा थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर में थीटा माइनस फाई किसका है, लेकिन यहाँ टेन है। तो अब देखो टेन आ गया ना, तो आपको टेन थीटा और क्या निकाल लो, बोलो बोलो, साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा निकालना है और टेन फाई, क्योंकि टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो अब इसको निकालने से पहले आपको यहाँ पर कुछ, पहले थर्ड नंबर बनाने से पहले आपको क्या करना है, टेन थीटा और टेन फाई का वैल्यू निकाल लो। तो देखो थर्ड नंबर के लिए टेन थीटा का क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा और अपॉन कौन सा हुआ इधर से कॉस थीटा। तो साइन थीटा का क्या वैल्यू है 8/17, तो यहाँ हम लिखेंगे 8 कौन सा 17 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, वह 15/17, तो यहाँ हो जाएगा 15/17 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8/15। ये क्या निकला आपके पास टेन थीटा। अब निकालो टेन फाई, तो टेन फाई के लिए क्या लिखेंगे, साइन फाई अपॉन कौन सा इधर से कॉस फाई। तो साइन फाई का वैल्यू कितना, साइन फाई हो गया 15/ कौन सा इधर 13, तो 5/13 है, और इधर कॉस फाई कितना हुआ 12/13, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा 5/ कितना इधर 12।
टेन थीटा और टेन फाई पता चल गया। अब आइए टेन इसका फॉर्मूला लगाइए, टेन थीटा माइनस फाई, इसके लिए क्या फार्मूला, टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस कितना इधर से टेन ए इन टू कितना इधर टेन बी, तो टेन थीटा, टेन थीटा कितना एट अपॉन फिफ्टीन, यहाँ एट अपॉन फिफ्टीन माइनस टेन फाई, टेन फाई कितना फाइव अपॉन ट्वेल्व, तो फाइव अपॉन ट्वेल्व वन प्लस इधर कितना एट अपॉन फिफ्टीन और इधर कितना फाइव अपॉन ट्वेल्व, ऊपर में एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलो बोलो ना कितना एलसीएम लोगे, सिक्सटी एलसीएम ले लें और नहीं तो पूरा ले लो ना फिफ्टीन, नहीं सिक्सटी ले लो ना, सिक्सटी ले लो ज़्यादा आसान हो जाएगा ना, कट जाएगा इधर चार बार में कटेगा इधर से, तो इधर कितना हो जाएगा थर्टी टू, इधर कितना टाइम में कटेगा फाइव टाइम में, इधर कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव, और यहाँ नीचे में यहाँ तो पूरा एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो तो 12 और 15 को, 12 और 15 को मल्टीप्लाई करो तो 12 पंजे कितना होगा 60, 6 बचा और 12 और 6 कितना 18, यहाँ हो गया 180। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर आ जाएगा ये 180 अब प्लस कितना हो रहा है इधर 40, तो इधर इसको माइनस करोगे इससे तो कितना हो जाएगा 32 है इधर, इधर 25, तो कितना हो जाएगा उधर 7 और अपॉन 60, इसको बट्टा को पलट दो तो 180 ऊपर जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा वह देखो तो 220, ये ज़ीरो कट गया, यहाँ पर से क्या करोगे दो से काटो, नौ टाइम में 11 टाइम में तीन तीन नौ, इधर कितना काटोगे तीन दूना छः 20, यहाँ पर इधर कितना आ जाएगा 21 अपॉन कितना इधर 220, देखो तो आंसर है थर्ड नंबर में, यही आंसर है, समझ में आ गया। चलो नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्स और वाई क्या है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड में 0 से और 90 के बीच में, साइन एक्स साइन वाई दिया हुआ है, तो कहता है प्रूफ कीजिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बटा 4, यही है क्वेश्चन, हाँ यही है, तो देखो ध्यान से यहाँ लिखो सॉल्यूशन, गिवन क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का वैल्यू कितना 1 बटा रूट अंडर 5 और साइन वाई कितना दिया हुआ है 1 अपॉन रूट अंडर 10, मतलब ये साइन है, मतलब एक साइन वाई और एक क्या दिया हुआ है साइन एक्स दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले आप कॉस एक्स निकाल लीजिए, कॉस एक्स के लिए क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन कितना 5 हो जाएगा, रूट 5 का कितना होगा स्क्वायर 5, इधर से 5 एलसीएम लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 तो रूट अंडर 4 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा 2 और अपॉन कितना रूट अंडर 5, ये किसका वैल्यू हो गया कॉस एक्स का, ठीक है ना। अब आप कॉस वाई निकालिए, तो कॉस वाई के लिए क्या फार्मूला होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई 1 बट्टा रूट 10, इसका स्क्वायर करोगे 1 बाई 10 मिलेगा, 10 एलसीएम ले लो तो 10 माइनस 1 इधर कितना हो जाएगा 9 अपॉन कितना 10, तो ऊपर में रूट हट जाएगा तो 3 अपॉन कितना रूट अंडर 10 लिख सकते हैं, ये क्या निकला कॉस वाई, कॉस वाई कॉस एक्स पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर से क्या करो, इसमें या तो दोनों तरफ 10 लगा दो या दोनों तरफ साइन लगा दो या दोनों तरफ कॉस लगा दो, जो मन में आएगा उसको लगा दीजिए, साइन कॉस 10 कुछ भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, नाउ अब यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है पाई बट्टा 4, साइन लगा दे दोनों तरफ, तो यहाँ पर लिखो टेकन साइन ऑन बोथ साइड, तो इधर कितना हो जाएगा साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन पाई बट्टा 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू पाई बट्टा 4 कितना 1 बाई रूट 2। अब इसको एल एच एस ले लो और ये हो गया आर एच एस, अब लिखो यहाँ एल एच एस, तो एल एच एस क्या हो गया साइन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस कितना हुआ कॉस ए इंटू कितना हुआ साइन बी, वैल्यू पुट करो साइन एक्स का वैल्यू कितना 1 बट्टा रूट अपॉन 5, तो 1 अपॉन रूट अंडर 5, कॉस वाई कितना इधर से 3 अपॉन रूट 10, तो 3 अपॉन रूट अंडर 10 प्लस कॉस एक्स कितना है कॉस एक्स है 2 अपॉन रूट 5, तो यहाँ लिखेंगे 2 अपॉन रूट अंडर 5, साइन वाई कितना साइन वाई है कितना साइन वाई
वन अपॉन रूट टेन, यहाँ लिखिए वन अपॉन रूट अंडर टेन, यहाँ कितना हो जाएगा वो, यहाँ देखो तो रूट फाइव और रूट टेन दोनों एलसीएम, ऊपर कितना हो जाएगा थ्री और प्लस टू, तो फाइनली यहाँ पर से क्या हो गया देखो तो फाइव, इधर कितना हो गया फाइव और इधर कितना हो जाएगा रूट अंडर फिफ्टी हो जाएगा वो। अब फिफ्टी का रूट क्या होता है, फाइव रूट टू कट गया, इधर कितना हो जाएगा वन बाई रूट टू, यही प्रूव हो गया, बड़ा सिंपल था, इजी था, ठीक। 17 नंबर है, इफ़ साइन एक्स का वैल्यू पता है साइन वाई का वैल्यू पता है, ठीक है ना, और आपके पास क्वेश्चन कहता है यहाँ पर देखो, अभी जितना भी क्वेश्चन पीछे किया है ना उसमें इसमें क्या चेंजिंग है, इसमें देखो एक्स ये क्या के लिए कंडीशन और वाई के लिए अलग अलग कंडीशन, इससे पहले जो भी क्वेश्चन किए थे वो क्या बोलता था, एक्स और वाई या थीटा और फाई किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल बोलेगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेगा, मतलब कौन सा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है सेम, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर क्या है देखो, एक्स कहाँ है और वाई कहाँ है, तो एक्स कहाँ है पाई बाई टू से बड़ा और पाई से छोटा, तो पाई बाई टू और पाई के बीच में होता है तो वो कौन सा क्वाड में, तो एक्स हो गया आपके पास कौन सा, सेकेंड क्वाड में, किस में आ गया सेकेंड क्वाड में। वाई कहता है हम जीरो से लेके कहाँ तक है, पाई बाई टू के बीच में, जीरो से बड़ा और पाई बाई टू से छोटा, तो किस में आ गया फर्स्ट क्वाड में, तो वाई हो गया आपके पास फर्स्ट क्वाड में, एक्स किस में सेकेंड में और वाई किस में फर्स्ट में, तो देखो बनाने का नियम क्या होगा इसका सॉल्यूशन, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, साइन एक्स पता है तो कॉस एक्स निकालते हैं, साइन वाई पता है तो कॉस वाई निकालेंगे, गिवन है आपके पास साइन एक्स इज इक्वल टू 12/13 और साइन वाई इज इक्वल टू पता है कितना 4/5, तो यहाँ से हम फिर से कॉस एक्स निकालेंगे, तो कॉस एक्स के लिए क्या फॉर्मूला, 1 - sin² x, तो इसका स्क्वायर तो 12/13 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 144 और नीचे में 169, एलसीएम ले लो इधर से 169 एलसीएम, तो 169 - 144 यहाँ कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना इधर से 25 हो जाएगा, इसका ही करोगे रूट हटेगा तो 5/ कितना 13। देखो एक्स कौन क्वाड में, सेकेंड क्वाड में क्वेश्चन कह रहा है, अब सेकेंड क्वाड में एक्स कॉस एक्स क्या होता है निगेटिव, इसीलिए हम यहाँ निगेटिव लेंगे, क्या लेंगे यहाँ निगेटिव लेंगे, निगेटिव क्यों लिए समझ में आ गया, क्योंकि एक्स कौन सा क्वाड में है, सेकेंड क्वाड में। अब आइए साइन वाई पता है तो कॉस वाई लिखेंगे, 1 - sin² y, तो इसका 4/5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इस वाले में कॉस वाई पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों पॉजिटिव रहेगा, कि वाई जो है कौन सा फर्स्ट क्वाड में, फर्स्ट क्वाड में आपको पता है कि ऑल क्या होता है पॉजिटिव, तो समझ में आएगा इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है प्लस माइनस में, ठीक है ना। इसका करोगे 1 - कितना 16/ कितना 25 एलसीएम ले लो, तो 25 - 16 यहाँ कितना हो जाएगा 9/25, इट मीन्स 3/ कौन सा इधर से 25, ये हो गया कितना इधर से कॉस वाई, कॉस वाई पता है और इधर से कॉस एक्स पता है। अब लिखो फर्स्ट नंबर क्या है, साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई के लिए क्या फॉर्मूला होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई अब प्लस कौन सा कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कौन सा फॉर्मूला पे साइन ए प्लस बी पे, सबका वैल्यू पुट करो, साइन एक्स का वैल्यू कितना 12/13 इंटू कॉस वाई कितना 3/25 प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स कितना -5/13, तो -5/13 साइन वाई कितना 4/5 यहाँ 3/5 होगा, नहीं यहाँ 3/5 होगा, यहाँ कितना एलसीएम हुआ, सॉरी अभी एलसीएम मेरे यहाँ कितना हो जाएगा 36 और यहाँ कितना हो जाएगा 65, यहाँ देखो ये वाला प्लस माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 20 और यहाँ हो जाएगा कौन सा 65 आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 36 - 20, इसको इसमें से माइनस करोगे तो 16 इधर से ही हो गया, यही आपके पास आंसर होगा। देखो तो कितना नंबर है 17 का फर्स्ट आ गया आंसर, ठीक है चलो। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर कॉस एक्स प्लस वाई, सेकेंड नंबर है कॉस एक्स प्लस वाई, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कौन सा बार है साइन बी, तो कॉस एक्स के लिए कितना वैल्यू दिया हुआ है -5/13,
यहाँ लिखेंगे माइनस फाइव अपॉन थर्टीन इंटू कॉस वाई, कॉस वाई कितना है थ्री अपॉन फाइव, यहाँ लिखेंगे थ्री अपॉन फाइव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कितना हुआ ट्वेल्व अपॉन थर्टीन, तो यहाँ ट्वेल्व अपॉन थर्टीन, साइन वाई कितना हुआ फोर अपॉन फाइव, तो यहाँ लिखेंगे फोर अपॉन फाइव, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो तो माइनस फिफ्टीन अपॉन कितना हुआ सिक्सटी फाइव, और माइनस कितना हुआ इधर बारह को करोगे चार से कितना होगा अड़तालीस, और नीचे में कौन सा सिक्सटी फाइव, सिक्सटी फाइव एलसीएम हो जाएगा, तो माइनस फिफ्टीन और माइनस कितना इधर फोर्टी एट, इसको ऐड करो आठ पाँच कितना होगा तेरह, चार एक पाँच है कितना होगा छः, इधर माइनस रहेगा इधर हो जाएगा सिक्सटी थ्री, यही आंसर हो जाएगा। देखो तो आंसर है माइनस सिक्सटी थ्री अपॉन सिक्सटी फाइव, समझ में आ गया ना कैसे यूज़ करते हैं। अब आते हैं थर्ड नंबर पर,